नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। पहाड़ टीवी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेगी देवभूमि की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। न्यायालय ने राज्य में चारधाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक लगाई रोक। राज्य सरकार को नई नियमावली न्यायालय के सामने रखने को कहा। लेंसडाउन क्षेत्र के कई घर खतरे की जद में, विभागमान प्रधान ने दिया आंदोलन की चेतावनी। और मसूरी में कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप, कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिजर्व बैंक का खजाना पूरी तरीके से कर दिया गया खाली। धारचूला तवाघाटली पुलिया कैलाश मानसरोवर मार्ग व भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटर मार्ग शांतिवन के पास 8 जून शाम 4 बजे से बंद है, जिसे स्थानीय लोगों के साथ ही सेना के जवान 10 किलोमीटर की चढ़ाई में 4,444 सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर हैं। बता दें, लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क खोलने में बीआरओ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर एवं विकास खंड दशौली व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपल कोटी में जाकर कोरोना के समय सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, जनप्रतिनिधियों को अंग वस्त्र और शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करते हुए बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में जिस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मियों ने फ्रंटलाइन पर रहकर जीवन की परवाह किए बिना जनता की सेवा की, इसके लिए जितना भी उन्हें सम्मान दिया जाए वो कम है। नगर पालिका कर्णप्रयाग के अंतर्गत अपर बाजार में हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान के पिछले हिस्से में लगातार हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों के एक शिष्टमंडल ने उपजिलाधिकारी से भेंट की। वहीं इस दौरान अनिल खंडूरी, वल्लभ प्रसाद खंडूरी, नरेश चंद्र खंडूरी, हरिकृष्ण भट्ट आदि का कहना है कि वर्ष 2013-14 से उक्त स्थान में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जबकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में उन्हें जगह होना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से उक्त स्थान पर सुरक्षा दीवार लगवाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश देने की बात कही है। हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान के पास जो भूस्खलन हो रहा है, उसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो वहाँ पर बस लगातार पत्थर गिर रहे हैं, उससे काफ़ी मकानों को खतरा है। तो इस संबंध में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगर पालिका कर्णप्रयाग है और भू संरक्षण अधिकारी, इनसे वार्ता करके इनको इनसे पत्राचार किया जाएगा। ये है कि जब 2013 में गढ़वाल में आपदा आई थी तो अपर विहार रामला मंच से लेके हनुमान मंदिर मस्जिद मोहरे तक पूरा भूस्खलन हुआ था। उस समय हमको सरकार द्वारा मकान खाली करने का नोटिस दिए गए थे, लेकिन 2013 से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी हम खतरे की जद में हैं। कल और परसों के अधिक बारिश होने का हमारे मकान के नीचे चार चट्टान खिसक रही है, उसमें हमारे आवासीय मकान को खतरा, और उसके साथ हमारे बच्चे भी रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा डर बना रहता है कि कब हमारा मकान जो है यहाँ से टूट जाए। पहाड़ों में सड़कें कटने के कारण कई जगह मकान खतरे की जद में है। यदि किसी मंत्री या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के घर खतरे की जद में आ जाते हैं तो विभाग तत्काल उस पर कार्यवाही करता है, लेकिन किसी आम आदमी की बात हो तो पत्राचार के बावजूद भी सालों तक कार्य नहीं होता। जब घर ही टूट जाए तभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नींद टूटती है। आज जिस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं वो जनपद पौड़ी के लेंसडाउन से 15 किलोमीटर दूर चुंडाई टू कोटखाल मार्ग से शुरुआत की है। ये जलेथा ग्राम सभा का नावेगेर तोक है, जहां पर चुंडाई टू कोटखाल मार्ग बनने के कारण सालों से सेफ्टी दीवार न बनने के कारण कई मकान खतरे की जद में है। गाँव वासियों का कहना है कि उनके द्वारा संबंधित विभाग और बड़े जनप्रतिनिधियों को कई बार मौखिक और पत्राचार द्वारा सूचित किया गया है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस साल समकाल मोटर मार्ग जाने से जो है ना, हमारे घर मकान की जो कंडीशन हो रखी है, बिल्कुल बरसात में हम लोग तो जो है बहुत डर डर के वहाँ पे रहते हैं। क्या आपने कभी विभाग को सूचना? विभाग को मैं मान्य ये हमारे जो विधायक जी हैं माननीय दिलीप राव जी, लगभग 10 साल हो गए, 10 साल से मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि सर जो है हमारा जो है हम ये सेफ्टी करवा दीजिए, मकान की सेफ्टी करवा दीजिए, हमारे जान माल की रक्षा करवा दीजिए। लेकिन वो भी जो है बिल्कुल आशा दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं कि मतलब जो है हम करवा देंगे, लेकिन 10 सालों से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। PWD को हमने दिया है, PWD ने भी ये जो उन्होंने GA को भेजा था, करीबन 6 बार तो माफ के चले गए, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परेशानी ये है सर कि यहाँ पूरा भूस्खलन हो रहा है, आप देख सकते हो। इसमें 20 मकान आ रहे हैं हमारी, इसमें 20-25 मकान है, जिसमें 3-4 मकान ये हो गए भाई साहब का हो गया, और उधर हमारे विनोद भाई हो गया। इन लोगों ने शासन प्रशासन को कई बार अपने स्तर से कई बार इन लोगों ने शासन प्रशासन को भी अवगत करवाया है,
और वो लोग आए भी हैं कई बार, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में तो शासन प्रशासन ही बता सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोश सिंह बिष्ट अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी 1885 में स्थापित, उसके बाद देश की आज़ादी के साथ ही देश के विकास के लिए काम करती है। भारत में सुई बनाने के कारखाने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी उन संस्थानों को बेचने का काम कर रही है। कांग्रेस ने 1885 में स्थापित होने के बाद इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ 50 साल में भारत को सुई बनाने के कारखाने से लेकर के अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, नरसिंहा राव जी, मनमोहन सिंह जी ने जो संस्थान देश में खड़े किए थे उनको बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक का खजाना खाली कर दिया और उसके साथ साथ राष्ट्र के अंदर जो बेरोजगारी की दर है, राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो GDP है वो लगातार गिर रही है और रुपये लगातार गिर रहा है। केवल बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कल जनपद पौड़ी के ग्राम सभा मंगलकोटी के लोगों द्वारा UKD युवा मोर्चा के साथ PWD श्रीनगर का घेराव किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टीरी में नशे तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। खंसाली पुलिस के द्वारा 16 लाख की कीमत की 160 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को पिकअप वाहन समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने खंसाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लाटा रोड इंटर कॉलेज के पास अवैध शराब बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टीरी तृप्ति भट्ट ने कहा है कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार इसी तरह चलता रहेगा और इसी के तहत थाना खंसाली पुलिस के द्वारा 16 लाख की लागत की शराब बरामद की गई है और अभियुक्त पर आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपकी अवैध तस्करी की शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, उस क्रम में लगातार जनपद टिहरी में हमारे द्वारा छापेमारी की जाती है और लगातार न केवल शराब अपितु स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थों पे हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में कल थाना घनसाली में 160 पेटी शराब मय पिकअप वाहन और जो अभियुक्त है राकेश सिंह, उनके सौड़ टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, काफ़ी बड़ी बरामदगी जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस के द्वारा की गई है और लगातार अभियान जारी है। इससे कुछ दिन पूर्व ही 15 पेटी शराब पकड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त 20 पेटी शराब नरेंद्र नगर में, कीर्ति नगर में और अन्य सभी थानों में काफ़ी बड़ी रिकवरीज की गई हैं और जो सब्जी और अन्य दुकानों की आड़ में शराब की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में कर रहे हैं, उन पर भी पुलिस की सतर्क दृष्टि है और लगातार उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मल्ला जौहार 13 गांवों में अभी तक सरकारी सस्ते गल्ले का राशन नहीं पहुंच पाया है। माइग्रेशन जाते समय केवल पैदल रास्ते भर का राशन ले जाते हैं और इन गांवों में भुखमरी की नौबत आने वाली है। BRO और लोक निर्माण विभाग की आपसी खींचतान के कारण मापांग में पैदल रास्ता चलने लायक नहीं है। मिलम के निकट क्षतिग्रस्त पुल से जान हथेली पर रखकर आवाजाही हो रही है। जिम सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज SDM और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप कर समस्याओं के समाधान की मांग की। उत्तराखंड भाजपा के खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य में तीरथ सिंह रावत और केंद्र में मोदी जी की सरकार द्वारा लगातार देश और प्रदेश के विकास के लिए काम हो रहा है। पहाड़ी जनपद बागेश्वर की 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के बीच बजट खर्च पर आपस में चल रहे तकरार धरना प्रदर्शन पर आ गए हैं। बागेश्वर जिला पंचायत के 19 सदस्यों में से 9 कांग्रेस समर्पित सदस्यों ने जिला पंचायत कार्यालय के बाहर पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन जिला पंचायत उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ये पहली जिला पंचायत है जहाँ पर वो माननीय सदस्यगण धरने में बैठ रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, और जब से बागेश्वर जनपद बना तब से आज तिथि तक सदन में टिप्पणियां आपस में होती थी, बहस होती थी, जो सदन एक स्वच्छ राजनीति के तौर में बहस होती थी। भाई राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति हम ही तो करेंगे, और कौन करेगा राजनीति? डॉक्टर होते इलाज करते। तो जो बार बार एक घिसा पीटा जो बयान वो दे रहे हैं बार बार कि राजनीति कर रहे हैं, विकास नहीं करने दे रहे हैं, अरे ऊंची राजनीति तो आप कर रहे हैं, आपकी मानसिकता है। आप भाई स्पष्ट आइए माननीय सदस्यों के सामने, आप आइए और बातचीत करिए। कहाँ मना, कौन मना कर रहा है? माननीय उपाध्यक्ष जी को लगा के 9 माननीय सदस्य यहाँ पर धरने में बैठे हैं पिछले 2 दिन से। आगे ये कैसा रहेगा? आगे भविष्य में भी अनिश्चितकालीन धरना हमारा है, कल से तालाबंदी है जिला पंचायत कार्यालय में। तो मेन समस्याएं यहाँ बजट को लेकर है, बजट की जो बंदरबांध यहाँ पर की जा रही है, वित्तीय अनियमितताएं यहाँ पर जोरों पर है। वित्तीय अनियमितता की बात करें तो हम गिनाते आप
दिखाते दिखाते थक जाएंगे। जितने मुद्दों को हम उठाए यहाँ पर, जितने भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, उन चीजों को अगर हम उठाते जाएं तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। तो मेन मुद्दा अभी का हमारा ये था, जिला पंचायत में जो बजट आवंटन है उसमें हुए जो इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। सौतेला हम कहेंगे कि 57% अपना लेके बाकी का जो बचता है 47% उसको बांट रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में चारधाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक रोक लगाते हुए नई नियमावली न्यायालय के सामने रखने को कहा है। न्यायालय ने पर्यटन सचिव के मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग करके नई नियमावली बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप और विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने चारधाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियां, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा। कोरोना काल में इन दिनों कई लोग और समाज सेवी संस्थाएं समाज सेवा में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में टीम 11 उत्तराखंड भी लगातार लोगों की मदद करने में जुटी है। टीम 11 उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड सभी जिलों में कोरोना राहत सामग्री पहुंचा रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देवभूमि की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, उत्तराखंड।